बहुत अच्छी फॉर्म लगी हुई थी उसकी, तगड़ा माशाल्लाह फॉर्म में। जिस तरीके से अगर आप लास्ट सिलेक्शन कमेटी की बात करें तो मैं समझता हूं कि उन्होंने भी बड़ा अच्छा काम किया। सऊद शकील अच्छी फॉर्म में था डोमेस्टिक, उसको लेके आए तो ये सिलेक्शन लास्ट सिलेक्शन कमेटी को इसका क्रेडिट बिल्कुल देना चाहिए, जिसने अच्छा काम किया उसको उसका क्रेडिट मिलना चाहिए। तो मीर हमजा हो गए, तैयब ताहिर हो गए, इनको इनकी अच्छी परफॉर्मेंसेस की वजह से टीम में सिलेक्ट किया और ये मौका मिलना चाहिए प्लेयर्स का। अच्छा एक और बात, हमारे पास माशाल्लाह से बड़े ऑप्शन है क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर लड़कों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। अगर मैं बात करूँ हसीबुल्ला की, साइम अयूब, मोहम्मद हुरैर, उस्मान सलाउद्दीन, फैजान रियाज, मुबशर खान, सज्जादा फरहान, इवन के अहमद शहजाद को भी देखें तो वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस कर रहे हैं माशाल्लाह, हम किसी को भूलेंगे नहीं। इनको इनका नाम लेने का मेरा सिर्फ मकसद ये है कि इन प्लेयरों को पता होना चाहिए कि आप सिलेक्शन कमेटी की नजरों में हैं, रिलैक्स नहीं होना और अच्छा सा अच्छा हर सीजन गुजारना है, जहां मौका मिले क्रिकेट खेलने का अच्छी परफॉर्मेंसेस करें ताकि हर वक्त आप नजरों में रहें।